हाय दोस्तों, हाय गाइस, जय माता दी। आप सबका स्वागत है फ्रेंड जोन चैनल पे। मैं आप सबको एक दुख खबरी बताना चाहती हूँ जो बहुत बड़ा ही हुआ, अचानक हुआ। कैसे हुआ, क्या हुआ, पता नहीं। ऊपर वाले को क्या मर्जी थी ये भी नहीं पता। अब जो है उन्हीं के भरोसे से हम जिएंगे, खाएंगे, रहेंगे और यादें जुड़े रहेगी। तो मैं आप सबके सामने में कुछ बातें हैं जो दुख है, घटी है, वो सब के बारे में आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिए। अगर स्किप आप करेंगे तो मैं इस वीडियो में क्या बताना चाहती हूँ, किन के बारे में मैं जानकारी देना चाहती हूँ, तो वो आप सुन नहीं पाएंगे और समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप ना करिए और लाइक करिए, कमेंट्स करिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो आप सबको मैं वीडियो बताती हूँ क्या जानकारी है। दिन था 13 शनिवार की रात, तारीख थी 12 तारीख को। तो मैं ड्यूटी जाती हूँ, मैं ड्यूटी गई थी शनिवार को। वहाँ से आई हूँ तो मेरे यहाँ भैया बेड पे लेटे हुए थे, तो मैं पूछी क्या हुआ करके। मेरे को उस टाइम पता नहीं था कि उनको कुछ तबीयत ख़राब लग रहा है करके। तो पूछी मैं क्या हुआ, तो नॉर्मल बताया हरारत लग रही है और सर्दी फीवर है ऐसे करके। तो दवाई उस टाइम वो खा चुका हुआ था, तो दवाई खाने के बाद में फिर राहत भी उनको मिल ही गई थी। दवाई मेरे यहाँ दीदी दी थी, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ के लिए, हाथ पैर दर्द दे रहा है, सर्दी पकड़ा है, उसके लिए कोई इंसान डॉक्टर नहीं जाता। पहले जो घर पे रहता है एक टाइम का, दो टाइम का, नहीं भी रहेगा ना, तो वो मेडिकल में जाके मंग लेता है कि भाई मुझे सर्दी है, इसकी दवाई दे दे। क्योंकि हमको नाम तो पता नहीं रहता, तो हमको हम प्रॉब्लम बताते हैं मेडिकल में तो मेडिकल वाला भी दे देता है। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि एक बार सर्दी हुई, फीवर हुई, तो उसमें हम हॉस्पिटल चले जाएं, कोई नहीं जाता। उसी प्रकार से मेरे यहाँ भैया को भी दीदी ने सर्दी फीवर की दवाई दी। अब उसको शनिवार की रात अच्छी लग गई। फिर रविवार को और मतलब पूछे कैसे लग रहा है करके, तो उस टाइम भी बोले ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। खाना वाना भी खाया, खाना खाने के बाद में भी अच्छा था, नहा धो के भी मस्त अच्छे हंसी मजाक किए। संडे का दिन था, हम लोग रहते हैं तीनों भाई बहन और मेरे यहाँ मम्मा पप्पा नहीं हैं, तो इस तरीके से हंसी मजाक चलती रही। और हमको जाना था संडे को गंडई, वहाँ एक नामकरण था और शादी का कार्ड आया था, तो उसमें जाना था। तो जाने के लिए सारी चीज़ तैयारियां तो हो गई थी, शादी वाले को गिफ्ट देने के लिए, बच्चे को गिफ्ट देने के लिए सारी तैयारी हो गई थी। पर उतने में ही भैया बोले कि आप लोग को जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो मम्मी बोली ऐसे भी तेरे को ठीक नहीं लग रहा है पिंटू, तो मैं नहीं जाती हूँ, गुड़िया और गंधा भी यहाँ लोग, उन लोग चले जाएंगे, मैं तेरे पास रह जाऊँगी। ये सब बातें चली, नहीं गए उस दिन। मैं भी बोलती मम्मी को, अब मम्मी आप लोग नहीं जा रहे हो तो मैं भी नहीं जाऊंगी, तो हम लोग नहीं गए। उसके बाद में शाम को 5-6 बजे करीबन फिर बोला कि मेरे को थोड़ी फिर हरारत टाइप में लग रही, फीवर टाइप में ऐसे करके। तो अब दीदी बोली आज का दिन तो निकल गया संडे को, कल चले जाएंगे एक बार डॉक्टर को दिखाने के लिए। बार बार कैसे ऐसी मतलब, तो एक तो हट जाना चाहिए। तो कुछ टाइम के लिए दीदी चिल्लाई भी, क्योंकि वो संडे की दोपहर टैबलेट नहीं खाया था। हम एक खुराक दो खुराक बस खा लेंगे तो ठीक नहीं होता, कंपलसरी है। कोई भी तकलीफ हो रही है तो हमको कम से कम में 5-6 खुराक ऐसे खाना ही चाहिए, 3 दिन तो कंपलसरी खाना ही चाहिए, तभी वो असर करता है। तो भैया ठीक लगने के बाद में दवाई नहीं खाते, तो वैसे इस बार भी किए, ठीक लगा एक खुराक पे तो वो छोड़ दिए। तो ये सब के लिए दीदी चिल्लाई भी। फिर उसके बाद उसको संडे की वही शाम को फिर दिए दवाई, और चाय के साथ को जो भी चटपट खाना रहता है, चिप्स वगैरह, वो खाए। और खाने के बाद में लेट गया,
और लेटने के बाद में उसको रात को खाना खाने के लिए उठाए, उठा खाया पिया, उस टाइम भी ठीक हो गया था और हंसी मजाक करते हुए खाना खा रहे थे, मजाक वजाक उड़ाते, इस तरीके से उसका दिन निकल गया रात को। फिर मैं तो अकेले सोई थी तो, और मैं एक बार सोई तो फिर मैं उठ नहीं पाती, और उठ गई तो मैं सो नहीं पाती, जल्दी मेरे को नींद नहीं आता और जल्दी मेरा नींद नहीं खुलता, ये मेरी कमजोरी है। तो 1:30 बजे रात को दीदी ने पूछा भाई को कि पिंटू ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो बोला हाँ ठीक लग रहा है। फिर उसके बाद 3 बजे रात को मम्मी ने पूछा कि पिंटू ठीक लग रहा है, तो उस टाइम भी बताया कि हाँ मम्मी ठीक लग रहा है। जस्ट उसके बाद में 4 बजे मेरे यहाँ मम्मी मंदिर पूजा के लिए उठ जाती है, मंदिर की सफाई, मंदिर का झाड़ू पोछा जो भी है उसके लिए। अब उठने के बाद में वो चली गई नीचे, नीचे जाने के बाद में 5 बजे करीबन आई मम्मी। अब उस टाइम नहाती है, जो फर्स्ट बार करती पूजा वो सफाई के हिसाब से करती है, उसके बाद नहाती है, नहाने के बाद फिर पूजा करती। तो 5 बजे वो ऊपर आई, गुनगुना पानी पी, कॉफ़ी पी, और उसके बाद भाई को देखे, वो बेड पे लेटे हुए थे और जो ये आँखों की पुतली होती है ना, ये वाली हिस्सा अंदर पुतली, वो ऐसे चढ़ी हुई थी और बॉडी पूरी अकड़न शुरू हो गई थी, और ये जो मुट्ठी है ये ऐसे बंधी हुई थी और अकड़न शुरू हो गई थी। तभी मम्मी डर गई, अब जन्म देने वाली माँ है तो थोड़ा सा भी देखेगी तो डर ही जाएगी, तो वो डर गई और डर से हमारे यहाँ दीदी को उठाए कि सीमा देख पिंटू को क्या हो रहा है ऐसे करके। फिर झट से दीदी भी उठी उस टाइम, और उठने के बाद में देखी तो वो समझ गई कि मतलब तकलीफ़ में है, शायद ही बचेगा करके वो समझ गई, क्योंकि डॉक्टरी लाइन वाली है और डॉक्टरी लाइन वाले जो लक्षण रहते हैं ना उनको जल्दी पकड़ लेते हैं। बॉडी भी अकड़ हो गई थी, बॉडी ऐसे मुट्ठी बंद गई थी, सीधा ये जो है ना बेड पे सीधा ऐसे लेटे हुए थे और लेट के अकड़ गई थी और पुतली ऊपर हो गई थी, और वो ना कुछ बोलना चाह रहा था, आ, आ, ऐसे बोल, लेकिन बोल नहीं पा रहा था, उसकी जबान भी बंद होती चली गई थी। फिर उसके बाद में थोड़े दीदी समझ गई, तो दीदी समझने के बाद जल में गंगा जल मिलाए और उसको पिलाई, तुलसी पत्ता गंगा जल मिला के उस पानी को पिलाई, और उसको उसके पास तो इतना दिमाग भी हो गया कि मैं ये नहीं बच पाएंगे लग रहा है तो मैं कुछ इनको सुना दूं, तो वो सत्यनारायण जी का कथा भी सुनाए उनको। अब कितना कथा सुनाए ये मेरे को नहीं पता, लेकिन सुनाए, और दूसरा हनुमान चालीसा भी सुनाए, क्योंकि मेरे यहाँ भैया 36 ईयर के थे और वो एक 36 ईयर के थे, तो वो ऐसे शादी ब्याह के उसमें नहीं रहते थे, दूर रहते थे। अभी तक हम लोग तीनों भाई बहन तो दूर है, बाकी की ज़िंदगी दोनों बहनों की पता नहीं, भैया को तो दिख ही गया, नो शादी नो परिवार बोलते थे, आज उनका सच ही हुआ है, हमारा पता नहीं, जिस दिन हम भी मिट्टी में मिलेंगे उसी दिन बता पाएंगे कि हमारा भी शादी है, बच्चा है, क्या है उसको, पर अब तक तो कोई इच्छा रखे नहीं है शादी के लिए, तो ये सब की जानकारी मैं बता नहीं सकती और कह भी नहीं सकती कि ये ऐसा सच होगा करके, कब इंसान का तन मन धन बहक जाता है उसको कोई बता नहीं पाता। तो दीदी को पता चल गया तो वो हनुमान चालीसा पढ़ी और सत्यनारायण जी का कथा सुनाई और तीसरा दुर्गा चालीसा पढ़ी, इस तरीके से उसको पूजा पाठ करके ही भेजी है वो। और ये सब करते तक मम्मी नीचे में थी, इधर उधर तैयारी, और मैं भी नीचे में थी क्योंकि गाड़ी का ड्राइविंग वही करता था, तो हमारे पास ड्राइवर नहीं था, तो इसको लगाना उसको लगाना, बहुत मॉर्निंग था तो हर कोई जल्दी से फ़ोन नहीं उठा पा रहे थे, फ़ोन नहीं उठा रहे थे, लेट हो रहा था, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं एक इंसान को 3 से 4 बार लगाऊँ, इतना मेरे पास टाइम नहीं था। एक को लगाती थी तो मैं सोचती थी ये फ़ोन नहीं उठा रहे तो उसको लगाती हूँ वो जल्दी उठाएंगे, ये भी नहीं उठा रहा है तो इसको लगाती हूँ ये जल्दी पहुँच जाएंगे, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि किसको मैं लगाऊँ तो कौन जल्दी पहुँचेगा और कौन मेरे को मेरे यहाँ भैया को लेके जाएंगे करके।
तो इस तरीके से मेरे पास दिमाग आ नहीं रहा था, तो ऐसे तैसे गाड़ी ड्राइवर ढूंढते तक 6:30-7 बज गया था। और मिला कौन? मिला जो उनके साथ बचपन में खेलता था, पढ़ा तो नहीं है वो, खेलता था वो लड़का मिला। उसको भी गाड़ी अच्छे से आती नहीं है, ऊपर वाले ने उसको थोड़ी सी पैर पे नुक्स दे दिया है, थोड़े से लंगड़ा के चलते हैं, पर आज वही काम आया है। बोलते हैं ना कहावत में, तू लंगड़ी कहानी क्या करेगी दुनिया में हमारी, तो ये काम। तो मेरे यहाँ भैया 36 साल के थे और 36 साल में अभी तक दिखा दिए कि ना मैं शादी करूँगा ना परिवार बढ़ाऊँगा, ये बोलता था। आज उनकी बातें सच हुई है। और गाड़ी में ले जाने वाले उनके बचपन के खेलने वाले दोस्त थे, हालांकि वो पैर से थोड़े कमज़ोर हैं, पर कहावत ऐसा बोलते हैं ना, तू अंधा तू लंगड़ा तू काना क्या करेगा हमारा। दोस्तों ये गलत है, चाहे इंसान लंगड़ा हो काना हो लूला हो, बस दिल से अच्छा हो सब कुछ हमारा अच्छा होगा। तो उन्होंने सुबह से ही साथ दिया मनोज भैया का, और मनोज भैया का साथ देने के लिए वो ड्राइविंग भी किए, ड्राइविंग करके वो भैया को हॉस्पिटल लेके भी गए। बड़ी मुश्किल से हम उनको उतारे थे सीढ़ी से, क्योंकि बॉडी में अकड़न आ गई थी, तो हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल था। मम्मी और मैं और दीदी उसकी गाड़ी टर्निंग करते तक निकालते तक हम भैया को बहुत मुश्किल से सीढ़ी से उतारे रूम से और गाड़ी में डाले, क्योंकि बॉडी अकड़न हो गई थी तो मुड़ भी नहीं रही थी, कहीं से भी अपन वहाँ से मोड़ के लूज करके रखते ना, वैसा भी कुछ हो नहीं पा रहा था, इसलिए दिक्कत जा रही थी। और फिर लेके गए उनको यूनाइटेड हॉस्पिटल, तो वो रास्ते में ही चले गया था, नहीं रहा, एक्सपायर हो गया था। पर मम्मी को पता नहीं था उतना, दीदी को पता चल गया था नहीं रहे करके, पर भी मन को तसल्ली करने के लिए यूनाइटेड हॉस्पिटल से डॉक्टर को बुलाए दीदी बाहर, और उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने भी बताया कि नहीं रहे घर ले जाओ करके। तो फिर उनको घर लेके आए, और वहीं से वापसी होते तक मेरे को दीदी फ़ोन कर चुकी थी कि भैया नहीं रहे करके। तो उस टाइम मेरे पास हिम्मत था, क्योंकि मैं बॉडी देखी नहीं थी, तो मेरे पास उतना वो नहीं था, गम नहीं था कि अब हमारे लाइफ से भैया दूर चले गए हैं करके, गम नहीं था। तो जितने को मेरे को उस टाइम बताना था कि भैया नहीं है करके, उतने रिश्तेदार पहचान जितने भी था मेरे याद में उस टाइम आया, उतने को मैं तुरंत कॉल कर दी, और भी जानकारी ऐसा है तो आप इनको दे देना करके मैं उस टाइम पूरी कर दी। उसके बाद में जब डेड बॉडी आई तो मैं थोड़ी सी कमज़ोर हो गई, अब खून का रिश्ता है तो थोड़ा होना ही है, और सेम एज के हैं, 3 साल बस मेरे से बड़े हैं, तो उस बीच में तो जो पल गुजरे रहती है सबसे ज़्यादा लड़ाई का। और यहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं और भैया 36 के आंकड़े में रहते थे हमेशा, कभी हम लोग प्यार से ऐसे बात नहीं किए, कभी हम लोग प्यार से पल नहीं गुजरा होगा, प्यार होती थी मगर हर बात में लड़ाई। वो उनका नहीं सुनता था और मैं शुरू से ही जिद्दी, मैं उनका नहीं सुनती थी, वो मेरे नहीं सुनते थे बचपन से, यहाँ तक कि जो बचपन में खेलते हैं ना उसमें भी वो उजाड़ने आता था तब भी मैं लड़ाई करते थे। इस तरीके से ना हम दोनों की लड़ाई हमेशा होती रहती थी, 36 का आंकड़ा रहता था। तो वो पल को आज याद करोगे तो बहुत बड़ी दुख लगती है। खैर जो होना रहता है होके रहता है, आज नहीं तो कल होगा ही, तो अच्छी बात है। उनका कहना था ना मैं शादी करूँगा ना परिवार बढ़ाऊँगा, तो वो 36 साल में अपना वचन पूरा करके चले गए। अब हम भी बोल रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे करके, मगर हम कुछ कह नहीं सकते कि शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान का तन मन धन कब बहक जाता है कोई बता नहीं सकता। ये सब के बहकने के लिए ना उम्र की ज़रूरत है ना किसी की ज़रूरत है, ऊपर वाले की मर्जी रहती है और बहक जाते हैं। तो हम भी जिस दिन मिट्टी में मिलेंगे उसी दिन पता चलेगा कि हम परिवार बसाए हैं कि नहीं बसाए हैं। तो
10 दिन का कार्यक्रम रखा गया है भैया के गेट के शांति पूजा के लिए, पर सारा कार्यक्रम जो तालाब का होता है, मुंडन कार्य होता है, सब चीज़ 3 दिन में कर दिया गया है। और उस 3 दिन के बाद में 4th दिन से जिस स्थान पे उनकी डेथ वादी हुई रखी हुई थी वहाँ पे उनकी फ़ोटो रखी हुई है, कलश रखी हुई है, और श्री पंडित वीरेंद्र चतुर्वेदी जी के मुख से प्रवचन सुनाया जा रहा है। 18 पुराणों में से एक पुराण है गरुड़ पुराण, जिसको उनकी मन शांति के लिए करा रहे हैं। उनकी इच्छा हम पूरी तो कर नहीं सकते, उनकी क्या इच्छा थी क्या है वो कुछ बताए नहीं, तो इसी सब में शांति कराने के लिए गरुड़ पुराण चल रहा है। शाम को 3:30 से 5 चलता है, तो आप सब भी इस गरुड़ पुराण का सुने समझे और दिवंगत परिवार को हिम्मत दे और सबको कहती हूँ मैं 23 तारीख को कार्यक्रम है उनके शांति भोज का, प्रीति भोज का, जो भी भोज आपको लगे आप समझ सकते हैं, तो आप आइए। और 23 तारीख को उनके ब्रह्मचारी सन्यासी इंसान टाइप के हैं तो उनके प्रसाद ग्रहण करिए। ज़्यादा कुछ खिला तो नहीं सकते हम, पर कोशिश है उनकी हर इच्छा वाली चीज़ बांटने की। उनको टमाटर की चटनी बहुत पसंद थी, जो बनेगा टमाटर की चटनी और खड़ी भिंडी बोलते था, सूखा भिंडी वो बनेगा। करेला को बहुत चाव से खाता था तो करेला भी बनेगा। लेमन राइस खाता था, लेमन राइस बनेगा। और पनीर वगैरह तो हाथ लगाता नहीं था, इसलिए पनीर छोले वोले सबसे दूर है, इसीलिए वो सबको बना नहीं रहे। जितनी उनकी इच्छा है रहती थी अधिकतर, जिस चीज़ में उनका पेट अच्छा भरा रहता था, और पेट भरने के बाद में भी उसको पूछते थे ना कि भैया ये खाओगे, तो वो नहीं बोलता था, उस वाली चीज़ को हम बना रहे हैं और खिला रहे हैं। तो आप सबसे मैं कहती हूँ आप सब इस भोजन को ग्रहण करिए और उनको आशीर्वाद दीजिए। तो कल 23 तारीख है, सुबह दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक ये भोजन का कार्यक्रम चलते रहेगा। तो आप सब आइए और मनोज कुमार देवांगन के आत्मा को शांति दीजिए और हम देवांगन परिवार को हिम्मत दीजिए। सिर्फ हम 2 बहनें ही बची हैं अभी, और मम्मी तो मम्मी होती है, माँ तो माँ होती है, उनकी जगह हम ले नहीं सकते। उनको दाग देने वाला ऐसा तो बहुत थे, पर हमारा मानना था, हम जब अभी शादी नहीं किए हैं तो हम तीनों भाई में भी गिनती आते हैं, तीनों बहन में भी गिनती आते हैं, तो दाग भी हम दोनों बहन ने दिए हैं, मेरी सिस्टर है और एक मैं, दाग दिए हैं। और आप बोल रहे होगे धूप भी दिख रही है और लड़की कंटोप भी लगाई है, तो मैंने भी बाल दिया हुआ है, ये देखिए बाल दिया हुआ है। तो इस तरीके से भैया का दत्तगात्र का कार्यक्रम करवाए हैं। तो अब तब के लिए मैं आप सबको विदाई मांगती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट्स में जो भी आपको पूछना है, बताना है, जो भी है आप पूछ सकते हैं। मैं आपको जितना जल्दी हो मैं उस क्वेश्चन का, उस आंसर का जवाब दूंगी, जितना मेरे से बन सकेगा, और जितना हो सके ये वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय। मनोज कुमार देवांगन की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ।